सबसे पहले आज रिजल्ट आया हुआ है सीजीएल 2021 का, और जितने भी लोगों का आज गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हुआ है उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत सारी बधाइयां मेरी तरफ से आप सभी को। और जिनका इस बार सपना पूरा नहीं भी हो पाया, ऑब्वियसली उन्होंने 2022 का भी दिया होगा, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। पर आज हम लोग इस वीडियो में 2022 मेंस के मैथ्स के सवाल करेंगे, जो कि सबसे पहली शिफ्ट थी 2 मार्च 2023। ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं आए, बट अप टू डेट रहना ज़रूरी है किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी हद तक अगर हम लोग पिछले कुछ सालों को एक साथ एक क्लस्टर में कंपेयर करें और अभी इस साल पैटर्न बदलने के बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं खासकर कि मेंस में, तो बहुत सारा बदलाव आया है। वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा इन चीज़ों पर। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पार्ट मैंने बांट दिया है, अर्थमेटिक को अलग बांट दिया है, अगर आपको उसके क्वेश्चंस केवल प्रैक्टिस करने हो उसमें आपको अर्थमेटिक के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। एंड सेकंड पार्ट में हम लोग एडवांस के यानी कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, इन सब के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो वो पार्ट बी में मिलेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे आपको दो लोगों की, अगर आपने सवाल पढ़ लिया हो तो उनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है जो कि है 7:4, और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस का रेशियो दिया हुआ है 3:1, और दोनों की सेविंग्स इक्वल है जो कि है 4800। आपको दोनों का मंथली इनकम का सम बताना है, योग बताना है। अगर मैं पहले ट्रिक को छोड़ दूं और नॉर्मल टर्म्स पे जाऊं तो ये दोनों रेशियो में थे और ये दोनों रेशियो में थे, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 7x-3y इसकी सेविंग होगी ए की, और 4x-y सेविंग होगी बी की। और बिना कोई ट्रिक लगाए मैं यहां से आसानी से इस कंक्लूजन पे आ सकता था, 3x = इसको उधर कर देंगे 2y, और x/y का मुझे रेशियो मिल जाता 2/3। यहां से अगर मैं देखने जाऊं x की जगह 2 रख दूं तो इनकम का रेशियो बन जाएगा 14:6, और एक्सपेंसेस का रेशियो बन जाएगा, सॉरी 14:8, और एक्सपेंसेस का रेशियो बन जाएगा 9:3। दोनों में डिफरेंस सेम आना चाहिए क्योंकि सेविंग्स सेम हो रही है। यहां पे डिफरेंस देखिए 5 आया, यहां पे डिफरेंस 5 आया। अगर मैं इसको 5a मान लेता हूं, 5a की वैल्यू आपको 4800 दी हुई है, a की वैल्यू कितनी हो गई 4800/5, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए a और b की इनकम का टोटल, यानी कि हमें चाहिए 22a की वैल्यू, जो कि यहां से आसानी से आप निकाल सकते हैं 22 × 4800/5। यहां से आंसर हम लोग को मिल जाएगा 960, 22 × 960 32, 198 और 13, 201 और 211, ये आ गया आंसर। अब चलते हैं इसको थोड़ा सा, मैं आपको ट्रिक में काफी इंटरेस्ट रहता है तो ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ इसको और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। देखिए इसमें ट्रिकी पार्ट केवल इस क्वेश्चन में यही था कि जो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, इक्वेट करना पड़ता है, यहाँ पे बच्चों को दिक्कतें आती हैं। दूसरी चीज़, कभी भी सेविंग्स अगर सेम हो, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाए, सेविंग सेम हो, रेशियो प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से लिखना है, दोनों का डिफरेंस देखना है, इनकम के रेशियो का डिफरेंस 3 है, इसके रेशियो का डिफरेंस 2 है, इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ और इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, बस सेम जो हम लोग ने वेरिएबल फॉर्म में लिया था वो सेम यहाँ चीज आ जाएगी 14:8, और यहाँ पे आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9:3। अब ये रेशियो इक्वल करने से क्या होता है ना, पहले ये एक्स के फॉर्म में था और ये रेशियो वाई के फॉर्म में था, अभी हम लोग सारों को सेम में ले सकते हैं, यानी कि 14a, 8a, 9a और 3a, और चीज़ें काफ़ी सिंगल वेरिएबल में इजी हो जाएंगी और उसी तरीके से आगे के स्टेप्स हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये सवाल है आपका पार्शियल रिप्लेसमेंट जब होता है एक प्योर मिक्सचर में, यानी कि मान लेते हैं एक कंटेनर है, उसमें पूरा का पूरा एक तरीके का आइटम है, या तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा प्योर मिल्क है और उसमें कुछ पानी डाल के रिप्लेस किया जा रहा है।
इस तरीके के क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले को और बेहतर समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन का यूज करूंगा। 40 लीटर हमारी इनिशियल क्वांटिटी थी, इनिशियल क्वांटिटी 40 लीटर थी, ये बात सही है, समझ में आ रही है। उसके बाद क्वांटिटी रिप्लेस कितनी की जा रही है, 4 लीटर क्वांटिटी रिप्लेस की जा रही है। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, कभी भी हम लोग को ये देखना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी, जो कि थी 40, और एक बार रिप्लेस करने पे कितनी क्वांटिटी बच रही है। यानी कि पहले 40 लीटर दूध था, उसमें से 4 घटाया, 36 लीटर दूध बच गया और 4 लीटर पानी डाल दिया, तो 4 लीटर पानी आ गया और 36 लीटर दूध रहा। जो प्योर मिक्सचर था जिस आइटम का, यानी कि दूध का, उसकी कितनी क्वांटिटी बच रही है एक रिप्लेसमेंट के बाद। ये रेशियो मेरा कितना आ गया, 9/10। इसी पे पूरा ये फॉर्मूला बेस्ड है। अब जितनी बार ये हो रहा है, यानी कि यहाँ 3 बार हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक बार किया और उसके बाद 2 और बार किया, ठीक है, 2 मोल टाइम्स, यानी कि टोटल 3 बार किया। अब यहां से अगर मुझसे परसेंटेज पूछता तो वो भी मैं निकाल लेता, रेशियो पूछता तो वो भी मैं निकाल लेता, और यहाँ पे हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पूछी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल रहे हैं, यहां तक आप आई होप समझ गए हैं। 9:10 हमने रेशियो निकाला, उसका क्यूब कर दिया क्योंकि प्रोसेस 3 बार हुआ है, तो ये आ जाएगा 729/1000। हमसे ओरिजिनल क्वांटिटी पूछा है तो इसमें, इस फ्रैक्शन में डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 40 को, जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी थी, और यहां से हमें हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 25 से कर देंगे कि तो कितना आ जाएगा, 2 बार गया, 9 बार गया, 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन ए आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अगर मैंने बोला आपको परसेंटेज निकालना होता तो परसेंटेज कितना होता है, ये 729/1000। यानी कि ये क्या आया, 3 बार रिपीट करने के बाद जो मिल की क्वांटिटी बची अपॉन टोटल मिक्सचर, मैं कह सकता हूं इन दोनों का रेशियो भी आ गया, यानी कि 729:1000 मैं बोल सकता हूँ मिल्क अपॉन टोटल आ गया। अगर इसी में से मैं इसको माइनस कर देता तो ये आ जाता 729:2, जो भी माइनस करके आ रहा है, यानी कि कितना आ गया, 71:271, तो ये आ जाता मिल्क इज टू वाटर का रेशियो, और यहीं से मुझे परसेंटेज निकालने में भी आसान रहता है ना। ये फॉर्मूला आपका प्योर मिक्सचर में बहुत अच्छे से काम आता है। क्वेश्चन नंबर 3 परसेंटेज का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। जो एक थर्ड नंबर है उसे हम लोग एक्स मान लेते हैं, उससे फर्स्ट नंबर 10% ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कितना है, 110% ऑफ एक्स, और सेकेंड नंबर 25% ज्यादा है तो 125% ऑफ एक्स। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको अगर मैं 100 मान लूँ तो फर्स्ट नंबर 110 बन जाएगा, सेकेंड नंबर 125 बन जाएगा, और इन दोनों के बीच का रेशियो हमसे पूछ रहा था, जो कि आ जाएगा 22:25। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। मेनली इसमें रेशियो पे ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली है और इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको चीजें समझाने की। देखिए प्रॉफिट का रेशियो कैसे डिसाइड होता है, मान लेते हैं दो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर हैं ए और बी, उन्होंने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और जितने टाइम के लिए किया है वो दोनों कंसिडर किया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी रेशियो में उनके प्रॉफिट शेयर होंगे। कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको टाइम पीरियड का रेशियो दे रखा है तीनों का, 3:2:7, और प्रॉफिट का फाइनल रेशियो आपको दे दिया 4:3:14। आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और वो हमसे पूछ रहा है। दो तरीके हैं, सबसे पहला तरीका है कि मैं ये बोल सकता हूँ, इसको ए बी और सी ले लिया, तो मैं बोल सकता हूँ 3:2:7, मल्टीप्लाई कर दिया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू 4:3:14। पर यहाँ से एक चीज़ आप देखेंगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया चीज़ें, यहाँ से ए बी सी की रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसलिए इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग कभी भी मेंजरेशन में भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको बहुत बार आते हैं, जहाँ पे हाइट और रेडियस डिक्रीज इंक्रीज करते हैं, तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
डायरेक्टली, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो हम इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो ये आ गया 4/3, ये आ गया 3/2, और ये आ गया 14/7 यानी कि 2। अब मेरे पास डायरेक्टली रेशियो आ गया ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का इस तरीके से, और डिनोमिनेटर में क्योंकि फ्रैक्शन आ रहा है तो हम लोग उसका एलसीएम ले लेंगे और तीनों से ही मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स में वो रेशियो आ जाएंगे जो कि आ रहा है 8:9:12। ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड वे में मैंने समझाने की कोशिश की है और आई होप अब आपको चीजें समझ में आई भी होंगी, इतना कॉन्फिडेंस तो है मुझे अपने आप पे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है मेंजरेशन का, मेंजरेशन में सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे परसेंटेज टोटल टोटल इसमें लग रहा है 4πr² सरफेस एरिया होता है किसी भी स्फेयर का। हमसे बोला जा रहा है कि पहले इसका रेडियस मान लेते हैं आर था, फिर इसको छोटा करके इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर हो गया। पहले 100% था, फिर 48% डिस्क्रीज किया यानी कि 52% हो गया। ये बात तो क्लियर है, और हमसे बोल रहा है सरफेस एरिया डिक्रीज कितनी हुई। अगर हम लोग नॉर्मल वे में चलेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फाइनल निकालेंगे πr² इनिशियल निकालेंगे, अपॉन इनिशियल कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। यहां मैंने इनिशियल माइनस फाइनल इसलिए किया क्योंकि इनिशियल की क्वांटिटी बड़ी है, डिफरेंस सही होता है हमें न्यूमरेटर पे। बट हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल फैक्टर है जो कि है रेडियस का स्क्वायर, तो हम लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। और अगर आप देखेंगे भी तो ये 4π कॉमन आ जाता ऊपर भी और नीचे भी और कट जाता, इसीलिए डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, r² - r² / r² × 100। आगे के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी टाइप का फिगर हो उसमें केवल जो वेरिंग फैक्टर है उसे आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं 100 था, फिर 52 हो गया, 100² - 52² / 100² × 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बाकी क्वेश्चनों से लग रहा है ना, शुरुआत के चार क्वेश्चन तो काफी सिंपल कैलकुलेशन थे, थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया है। और ट्रिकी पार्ट क्या है, 52 का स्क्वायर निकालना। 52 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 50 के आसपास की कोई भी क्वांटिटी हो उसका मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, हमें 25 दिमाग में रखना है, 25 का जो हमारा फिगर है ये दिमाग में रखना है। ये 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है नंबर ये देखना है, जैसे यहाँ पे 2 ज़्यादा है तो इस 25 में 2 जोड़ देंगे, और इधर साइड 2 डिजिट में जितना भी वो ज़्यादा या कम था उसी का स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 04। अगर मान लेते हैं कुछ बड़ी क्वांटिटी होती जैसे 62 होता तो ये 25 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 50 से 12 ज्यादा है तो 25 + 12 37 होता, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, बट क्योंकि 2 ही डिजिट यहाँ आने तो 1 की कैरी यहाँ आती और ये क्यूब स्क्वायर हो जाता 3844। ठीक है, अब अगर ये चीज आपको पता होती तो आप एग्जाम में आराम से इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते थे, वरना कैलकुलेशन में हो सकता हो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग गया हो। तो यहाँ से ये मेरा आंसर आ गया 10,000 - निकाला क्या था हमने 2704/100 का स्क्वायर और ऊपर 100 है तो ये 100 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 7296, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है, कुछ लोगों के लिए ट्रिकी भी है। देखिए एक ही मशीन है, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक मशीन है, इस मशीन को एक आदमी ने पहले 5,000 में खरीदा, ठीक है, फिर उसको बेच दिया 6,000 में, और फिर अगेन उसी मशीन को वापस से 8,000 में खरीदा और उसे बेच दिया 10,000 में। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट बस ये था कि सेम मशीन के साथ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बंदे ने लागत कितनी लगाई और सेल कितना किया, बस हम लोग को ये देखना था। हमें नहीं मतलब है वो सेम मशीन है या डिफरेंट मशीन है, हमने ये जाना 5,000 रुपये लगा के उसने 1,000 रुपये का मुनाफा कमाया और 8,000 रुपये लगा के उसने 2,000 का मुनाफा कमाया, यानी कि ओवरऑल उसने 13,000 रुपये लगा के मुनाफा कितने का कमाया, 3,000 रुपये का।
और प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे जोड़ते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहां पे भी कैलकुलेशन काफी सिंपल हो सकती थी। तेरह दुने 26 होता है, तो हमें पता चाहिए था ये 20 से 25 के बीच की वैल्यू होगी, और दो ही वैल्यू है 20 से 25 के बीच में। पर हमें ये भी पता है कि 13 इंटू 1% 13 का क्या आएगा, 0.13, है ना। तो उस तरीके से यहां पे जजमेंट हो सकती थी। अब ये क्वेश्चन इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या ही होगा, आगे के दो क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि भले ही बहुत इजी हो गया हो एग्जाम, बट कुछ क्वेश्चन तो एसएससी को देखना पड़ेगा कि इस तरीके का लेवल अगर गिराएंगे तो भैया मैथ्स पढ़ाने का फिर तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो मैं यही कहूंगा कि आप 9th 10th की मैथ्स लगा के चले जाओ, कोई ट्रिक कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आराम से आपके सारे के सारे क्वेश्चन विद इन टाइम आप सॉल्व कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन बहुत होगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट इतने ईजी क्वेश्चन है कि आपको टाइम अच्छा खासा वहां पे मिल जाएगा। ये डायरेक्टली मैंने यहां पे बना दिया। ये कैसे बनाया, मार्क प्राइस पे 44% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 0.56 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 87500। यहीं से मैंने ये बनाया था। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 12% अंडे खराब हो जाते हैं 350 में, तो बताइए अब कितने बचे। इससे इजी क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है कोई, ये तो 6th 7th में हम लोग सॉल्व करते थे ये सब टाइप के क्वेश्चन, 6th 7th में हम लोग सॉल्व करते थे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बताने चलूंगा, अगर आपको पाइप एंड सिस्टम या वर्क एंड टाइम में केवल ये एक फॉर्मूले की अच्छी समझ है, अच्छी पकड़ है, तो आप पूरा का पूरा आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। टोटल वर्क या कैपेसिटी, जैसे पाइप एंड सिस्टम में कैपेसिटी ऑफ टैंक हो जाएगा और वर्क एंड टाइम में वो टोटल वर्क हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ, ए अगर 2 किलो पर डे उठाता है, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है, स्पीड हो गई एफिशिएंसी, और कितना टाइम लेता है टोटल काम खत्म करने में, 10 डेज। तो यानी कि टोटल काम कितना था, 20 किलो उठाने का, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो लोग पहले से काफी एग्जाम दे रहे हैं वो लोग इन सब चीजों को बहुत आराम से समझ पा रहे होंगे, बट फिर भी आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, और जो नए लोग हैं उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये चीज बता दी। अब मान लीजिए एक टैंक है, उसमें 3 पाइप हैं, तीनों इनलेट हैं, ठीक है, तीनों का अलग अलग डायमीटर है, और हमें ये चीज गिवन है कि जो उनकी पानी फ्लो हो रहा है वो इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमीटर्स है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसका 4 है 9 है और 16 है, ये बात समझ में आई। और फ्लो क्या होगा हमारा, फ्लो हो गया एफिशिएंसी। भाई फ्लो की यूनिट क्या होती है, कि इतना लीटर पर सेकेंड या पर आवर, इस तरीके की इसकी यूनिट होती है, तो ये एफिशिएंसी होगी, ठीक है, ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तीनों का, 4:9:16। दूसरी चीज हमसे बोल रहा है, जो सबसे बड़ा टैप है, तीनों एम्प्टीइंग टैप है, सॉरी तीनों एम्प्टीइंग टैप है या आउटलेट टैंक है, मैंने इन्हें इनलेट बोल दिया गलती से, आउटलेट टैप्स हैं तीनों के तीनों, पानी बाहर निकालते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो टैप है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यह वाला जो टैप है, ये 81 मिनट में खाली कर रहा है, 81 मिनट में खाली कर रहा है। अगर तीनों खुल जाएं तो कितने मिनट में खाली करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक 81 में कर रहा है तो तीनों खुल जाएंगे तो कुछ कम टाइम लगेगा, ठीक है, और तीनों का फ्लो बराबर उसमें से जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ, अगर ये 10 लीटर पर सेकेंड निकाल रहा था, ये 20 लीटर पर सेकेंड निकाल रहा था, ये 30 लीटर पर सेकेंड निकाल रहा था, और तीनों को खोल दिया जाए तो यानी कि 60 लीटर पर सेकेंड निकलेगा, ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो एफिशिएंसी है तीनों की ऐड हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि 29x हो जाएगी एफिशिएंसी, या मैं बोल सकता हूँ 29 हो जाएगी एफिशिएंसी, जो भी यूनिट है, इतने 29 यूनिट्स पर सेकेंड ये लोग निकाल रहे हैं, या मिनट बोल देते हैं क्योंकि मिनट्स में दिया हुआ है हमें, 81 मिनट्स दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ 29 यूनिट्स पर मिनट ये लोग निकालेंगे। और टोटल वर्क कहाँ से आएगा, इस वाले से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, टाइम
इनटू इसकी एफिशिएंसी 16, तो ये टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गई, अपॉन 29 कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है। एक आदमी है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से नाव चला सकता था, शांत पानी में, ठहरे हुए पानी में। अगर रिवर की फ्लो, मैं मान लेता हूँ ये ग्रीन जिस तरफ सिग्नल है, इस तरफ रिवर का फ्लो है, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम हो गई और ये अप स्ट्रीम हो गई, और इस तरफ स्पीड के साथ ऐड हो जाती है रिवर की स्पीड, और इस तरफ माइनस हो जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड आ गई मेरी इस क्वेश्चन के लिए। और ये बोल रहा है कि पूरा राउंड ट्रिप में इसको लगते हैं कितने, 2 घंटे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस तो सेम रहेगा जाते समय भी और आते समय भी, डिस्टेंस को डी मान लूँ मैं, तो डी अपॉन स्पीड टाइम हो जाएगा, डी अपॉन स्पीड टाइम प्लस डी अपॉन स्पीड टाइम, दोनों मिला के 2 घंटे में पूरा हो रहा है। यहाँ से मुझे डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10/145 प्लस 10/55 इक्वल टू 2, यहाँ 2 तीनों तरफ चला जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस 1/29 प्लस 1/11 इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं डिस्टेंस बोल सकता हूँ, इसको करेंगे 29 × 11 कितना आएगा, 290, 319, 319 ऊपर चला जाएगा, नीचे 29 + 11 = 40 आ जाएगा, 40 × 8 320 होता है, तो करीब इतनी वैल्यू आएगी मेरी। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, हमें ये बोला जा रहा है कि दो बैंक थे, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों पे प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, पर दोनों पे क्योंकि रेट या ब्याज दर अलग अलग था, इसलिए उस साधारण ब्याज पे 800 रुपये का अंतर आ गया, यानी कि P R1T/100 माइनस P R2T/100, इसकी वैल्यू 800 दी हुई है। ठीक है, अभी हमें ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर की तो आप बोल सकते हैं कि हर साल कितने ब्याज का फर्क पड़ रहा है, 800/3, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, और एक साल में ये फर्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि रेट का जो फर्क है R1 - R2, और ये वैल्यू अगर मैं 8,000 के हिसाब से देखूं तो कितनी परसेंटेज हो गई। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा ये चीज, मैं अभी आपको फिर से समझा दूंगा, पर जिन लोगों ने अच्छी स्टडी कर रखी है उनको समझ में आ जाएगी ये चीज। ठीक है, जिनको कंफ्यूजिंग लगे वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से यूज करके भी कर सकते हैं, 8,000 × 3 ये कॉमन आ जाएगा, 100 भी कॉमन आ जाएगा, R1 - R2 इज इक्वल टू 800, और सेम आप करेंगे तो R1 - R2 की वैल्यू यही मिल जाएगी आपको, 10/3 यानी कि 31/3%। अब आपको बोल रहा है हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली या कोई रैंडम मंथली अगर कंपाउंड हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में, तो किस तरीके से होता है। हमेशा रेट जो है वो कम होता है और टाइम ज़्यादा होता है, यानी कि हाफ ईयरली में हाफ हो जाता है रेट, टाइम डबल हो जाएगा, क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने पे, तो ये रेट 1/4 हो गया, टाइम 4 बार हो गया, और अगर कोई रैंडम मंथ है जैसे 5 मंथली कर दिया, करना कुछ नहीं है हम लोग को, जैसे हाफ ईयरली में भी हम क्या कर रहे थे, 6/12 कर रहे थे या 12/6 कर रहे थे टाइम में, ऐसे ही 5 मंथली में क्या करेंगे, 5/12 हो जाएगा रेट और 12/5 हो जाएगा टाइम। ठीक है, यही लॉजिक है बस। तो हाफ ईयरली में यहाँ पे रेट हमारा 20% था जो कि अब हो जाएगा 10%, और एक साल के लिए पूछ रहा था तो ये हो गया 2 साल, और 2 साल के लिए शॉर्ट ट्रिक भी है, इफेक्टिव रेट परसेंट यानी कि टोटल क्या आएगा सारा कुछ कंपाउंड अंपाउंड लेके, तो वो होता है जो भी रेट परसेंट है उसका 2 टाइम्स और डेसिमल में उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये 20 हो जाएगा और ये वैल्यू 100 हो जाएगी, बट क्योंकि 2 ही डिजिट कंसिडर करते हैं तो ये एक इधर आ जाएगा, 21% आपका आंसर आ गया। दूसरा फॉर्मूला आप A+B+AB/100 भी कर सकते हैं, 10 + 10 + 10 × 10 100/100 यानी कि 1। ठीक है, तो 21% निकालना है, 8,000 का सिंपल सी बात है, इंटू 21%,
इसको मैं तोड़ दूंगा 20% प्लस 1% में, आसानी से निकल आएगा दिमाग में ही, 8 × 16 होता है तो 1600 हो गया 20%, और 1% इसका 80 होगा, आंसर मेरा 1680 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए इतने इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम लोग की जरूरत है नहीं अब आपको, लिटरली मैं कह रहा हूँ, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं। देखिए इंग्लिश में मैंने देखा इस बार काफी बच्चों ने कहा काफी क्वेश्चन उनके गलत हो गए, तो मेरा मानना है कि अगली बार से मेंस के लिए स्पेशली आपको इंग्लिश और जीएस इन दो सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि आपको कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 60 में से आपके 58-59 क्वेश्चन सही हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। मगर आप कहो कि मुझे टीचर से पढ़ने की जरूरत है तो मुझे नहीं लगता, बाकी जो बच्चे पहली अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो नया नया शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए जरूर गाइड की जरूरत है, तो आप वो लोग फॉलो कर सकते हैं। आपने बहुत कम ही ऐसा सुना होगा कि कोई टीचर कहे कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार तो मैंने देखा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के इजी इजी क्वेश्चंस आगे आके, अभी जो आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, उसके लिए केवल वो दो तीन चीजों का कंटेंट बढ़ा के नया कोर्स भेज दिया गया, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है ना। बच्चों का इन द एंड मोटिव क्या होना चाहिए कि फायदा हो, बजाय कि अपना पर्सनल कोई मॉनेटरी फायदा हो वो नहीं देखना चाहिए। बाकी ठीक है, कमेंट नहीं करना चाहिए किसी पे भी। यूनिट पावर हम लोग को दे दी है, स्क्वायर दे दिया, क्यूब दे दिया, तीनों का फॉर्मूला मैंने दे दिया सम का, ठीक है सम का, यानी कि फर्स्ट से शुरू होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से शुरू होते हैं, तो नॉर्मल नंबर्स का इस तरीके से है, स्क्वायर्स का इस तरीके से, क्यूब्स का इस तरीके से है। क्यूब्स का कुछ नहीं है, जो नॉर्मल नंबर्स का सम का फॉर्मूला है उसी का स्क्वायर कर देते हैं, और डिवाइड बाय अगर नंबर ऑफ नंबर्स कर देंगे तो बस हमारा एवरेज आ गया। यहाँ से मैंने देखा क्या आएगा, पहले 5 नंबर यानी कि 5 × 6/2 का स्क्वायर अपॉन 5, बात समझ में आ रही है, 15 का स्क्वायर 225/5 आ जाएगा 45 मेरा आंसर। तो ये फॉर्मूले आपको नहीं पता है तो ये जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन के हद सिंपल क्वेश्चन आए, 1681, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको सिखाया 50 के आसपास के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अब देखिए इस टाइप के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आपको एंडिंग 10 के तो पता है, जैसे 30 का 900 है, मन में आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 का 1600 है, 50 का 2500 है, यानी कि आप ये समझ गए 40 और 50 के बीच की वैल्यू है, और ये भी आप समझ गए 40 से थोड़ा सा ही ज्यादा है क्योंकि 1681 है, और एंड डिजिट आपको देख सकते हैं इसके बाद 41 का स्क्वायर जो है 41 × 41, लास्ट डिजिट तो 1 ही आएगा, और किस में आ सकता है 49 × 49 में लास्ट डिजिट 1 आएगा क्योंकि 81 होता है, दो ही नंबर है जिसमें 1 आएगा, तो फिर हम लोग को ऑब्वियसली क्लियर हो गया कि भाई ये 41 का ही स्क्वायर है। दूसरी चीज़ आप बीच में 45 का स्क्वायर भी देख सकते हैं, किसी भी एंडिंग 5 डिजिट का स्क्वायर क्या होता है, जो फर्स्ट डिजिट है उसका इंटू प्लस 1 कीजिए, यह आ गया 20, और लगा दीजिए साथ में 25, ठीक है ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, 41 + 8 = 49 और उसका रूट हो जाएगा 7। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 25 − 13 − 12 कितना हो गया 0, बचा मेरे पास अभी 56 − 0, ये हो गई 56, बचा अभी मेरे पास 40 − 56, ये हो गया −16, बचा अभी मेरे पास 30 − −16, बोलिए ये मेंस का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन पूछ लिया, वैसे तो अर्थमेटिक मीन आपको पता है सबका सम कर दीजिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, पर यहाँ पे देखिए ये एक ज्यादा है एक कम है, ये एक ज्यादा है ये तीन कम है, ये तीन ज्यादा है, तो इस तरीके के केस में डायरेक्टली हम यहाँ पे लगा सकते हैं अपने आंसर को। यह वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ी चीजें मैं समझाना चाहूंगा आपको। पहले एक चीज समझ लीजिए, कोई भी नंबर n1 और n2 है उनके बीच में कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट होता है उसे हम HCF कहते हैं, H से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 1500 प्रोडक्ट है तो मैं मान लेता हूँ एक बार एग्जाम्पल के तौर पे, क्वेश्चन को एक बार भूल जाइए, क्वेश्चन तो हो जाएगा आराम से, 30 और 50 मान लेता हूँ, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बता सकते हैं आप, 10 होगा। और मैं अगर इस नंबर को आप एक्सप्रेस करना चाहूं इस फॉर्म में HA और HB के, तो ये कितना हो सकता है 10 × 3 और 10 × 5, यानी कि A की वैल्यू 3 आ गई, B की वैल्यू 5 आ गई, इन दोनों में कभी भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने ऑलरेडी अलग कर लिया है, ठीक है, तो इसीलिए ये थर्ड लाइन लिखी है, A और B को प्राइम होते हैं।
और अगर एलसीएम से डायरेक्टली मुझे फॉर्मूला निकालना हो तो वो होता है एच इंटू ए इंटू बी, यानी कि 10 × 3 × 5 यानी कि 150। बात समझ में आ रही है? या तो डायरेक्टली हम लोग ये भी कर सकते हैं यहां से कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया है 1500 अपॉन एचसीएफ कर दिया, तो यहां से भी एलसीएम हमें मिल जाएगा 150। ठीक है, तो ये तो हमने एग्जांपल लिया था, बट ये दोनों नंबर्स हर एक चीज में फिट हो रहे हैं यहाँ पे, तो एक पेयर तो हमें मिल ही गया है। दूसरा पेयर कौन सा हो सकता है यहाँ पे बताइए? क्या मैं यहाँ पे 150 और 10 भी ले सकता हूँ, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 आ जाएगा, है कि नहीं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 आ जाएगा, एलसीएम फिर से 150 आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है, बस ए और बी की वैल्यू बदल जाएगी। ए की वैल्यू 15 हो जाएगी और बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। भाई 1 और 15 भी आपस में को प्राइम हो गए ना, तो ये दो ऐसे पॉसिबल फैक्टर्स हैं। इन फॉर्मूलों की मदद से आप ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको बस इतना देखना था कि 150 को मैं जो एलसीएम आया उसमें से फिर से एचसीएफ डिवाइड किया, 15 इज इक्वल टू ए इंटू बी आया। ठीक है, क्योंकि एलसीएम क्या है, एच इंटू ए इंटू बी, तो एल बाई एच इज इक्वल टू ए बी। यहां से सारा क्वेश्चन निकालना है, 15 को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ अलग अलग पेयर में, तो एक तो बचेगा 3 और 5 और एक बचेगा 15 और 1, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, एलिमेंट्री क्वेश्चंस आए हैं कुछ कुछ ऐसे जो 10-10, 15-15 सेकेंड्स में हो सकते थे। एक घंटे का अगर पेपर है तो मुझे लगता है मैथ्स के 30 क्वेश्चन में इस बार ज्यादा कम टाइम लगा होगा और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा होगा भले ही, है ना? तो ये चीज नोट करने वाली थी, जो डिस्टिंक्टिव चीज थी इस बार के पेपर की। ऐसा मैंने मेन्स का पेपर कभी भी नहीं देखा, मतलब एसएससी सीजीएल से कह सकते हैं जो उसका एक इमोशन था, एक हार्ट था, मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे मानते थे पूरे पेपर के, वो इस बार हटा दिया गया है अनफॉर्चुनेटली। मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, पर फिर भी तैयारी करना जरूरी है। हमें नहीं पता इस बार थोड़ा अलग कर दिया, अगली बार क्या कर देंगे, है ना? जैसे कि 2019-2020 ये सारे बहुत ही हार्ड लेवल के मैथ्स बताए गए थे, फिर 2021 थोड़ा ईजी हुआ, 2022 इस बार बहुत ईजी कर दिया है, हो सकता हो 2023 वाला वापस हार्ड कर दे, हम लोग को नहीं पता। 2017 वाला बहुत हार्ड था मेंस का पेपर, आउट ऑफ नोवेयर वैसे क्वेश्चंस तो फिर से पूछे भी नहीं गए अभी तक। देखिए सिंपल सा रूल है, 4 से तो ये वैल्यू पक्का डिवाइड हो रही है, क्योंकि लास्ट टू डिजिट्स देखते हैं 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर और कोई वैल्यू से डिवाइड हो भी रहा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। तो मैं अगर जैसे ही देखा 4 से डिविजिबल है, मैंने आगे टिक किया और आगे बढ़ गया, विद इन 5 सेकेंड्स मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना था। बाकी आप चेक भी कर लीजिए तो आपका किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है काफी बार एग्जाम में। यहाँ पे टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज होती है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन द सेम सर्कल देन द लेंथ ऑफ दैट टेंजेंट इज सेम। ये चीज हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे मैंने आपको सबसे बढ़िया तरीका हमेशा बताया है, इस तरीके से नेमिंग कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। आपको ए बी दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस बी दिया हुआ है 18, फिर बी प्लस सी दिया हुआ है 21, और ए प्लस डी दिया हुआ है 15। सेम ऐसा क्वेश्चन कुछ टाइम पहले मेंस में पूछा भी गया है, और हमें सी डी चाहिए, यानी कि हमें चाहिए क्या, सी प्लस डी। अब हमें चाहिए क्या नहीं, हमें सबसे पहले बी भी नहीं चाहिए और ए भी नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए को हटा देता हूँ। ठीक है, तो 1-2 अगर मैं कर दूँ तो बी माइनस डी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये बचा मेरे पास। 1 और 3 को मैंने माइनस कर दिया। अब मुझे चाहिए क्या, सी प्लस डी, यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं 2-4 कर देता हूँ, तो ये सी प्लस डी बचा और ये बच गया 18। ये मेरा आंसर आ गया, इतना सा खेलना था। यह वाला क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, यहाँ पे आपको दिया है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओ एक पॉइंट है इंटीरियर में, जहाँ पे हमें दिया गया है ओ पी आर और ओ आर पी की वैल्यू इक्वल है, यानी कि
ये वाला जो एंगल है इतना और ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है। अब मेरे को एक बात बताइए, जब ये दोनों ही एंगल इक्वल थे और इनमें से इतना पार्ट अगर दोनों इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी इक्वल ही होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि इनमें से बताइए कौन से सही स्टेटमेंट है। सबसे पहले पी ओ आर आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं, क्योंकि इसमें दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, तो पहला तो बिल्कुल सही है। ओ क्या सेंट्रॉइड है ट्राइंगल पी क्यू आर का? क्या ये ओ सेंट्रॉइड है पी क्यू आर का? तो देखिए ऐसा कहीं भी नहीं मेंशन है कि ये दोनों जो लेंथ हैं ये अगर इक्वल हो जाएं तो फिर हमारा ये मीडियन होगा। कोई पता नहीं है ये कहाँ जाके ड्रॉप हो रहा हो, यहाँ पे कोई पता नहीं है यहाँ जाके कहाँ ड्रॉप हो रहा हो, इसकी श्योरिटी हमें नहीं है, तो ये हम नहीं बोल सकते हैं। तीसरी चीज, क्या पी क्यू ओ और आर क्यू ओ कॉन्ग्रेंट है? तो ये चेक कर लेते हैं, ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। पी क्यू ओ यानी कि इस तरीके से अगर हम जोड़ दें, तो मैं पी क्यू ओ में और आर क्यू ओ में देखिए दो चीजें देख रहा हूं। एक तो ये जो मैंने ब्लैक से मार्क की है, ये वाली और ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल हैं आपस में। प्लस ये जो रेड से मार्क की है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं आपस में। प्लस मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि एस ए एस दो साइड्स और उसके बीच का एक एंगल इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ये कॉन्ग्रेंट है, यानी कि ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। आपको ये याद रखना है बस, कॉन्ग्रेंसी के केस में एस एस ए केस नहीं होता है, कॉन्ग्रेंसी में एस 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 होता है, एस ए एस होता है, ए एस ए होता है, ए ए एस होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल वाला आर एच एस, ये केसेस होते हैं, केवल एस एस ए नहीं होता है, ये याद रख। ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि भाई सर्कल तभी फॉर्म होगा जब तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो। नॉन कोलिनियर का मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पे ना हो। इसके लिए हमें सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी। अगर ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसका मतलब इस तरीके से एक ट्रायंगल बन सकता है इन तीनों को ज्वाइन करके, और ट्रायंगल तभी बनेगा जब वो इस तरीके की बेसिक जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है ज्योमेट्री में, कि तीसरी साइड जो है वो हमेशा इस रेंज के बीच में रहेगी, दोनों साइड के सम से कम होगी और दोनों साइड के डिफरेंस से ज्यादा होगी। यानी कि मैं तीसरी साइड अगर 20 मान लूं तो इन दोनों का सम भी 20 आ रहा है, 20 से कम होना चाहिए इस साइड को, और इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, चलिए 2 से तो ज्यादा है पर 20 से कम होना चाहिए था, ये 19.9 हो सकती थी मगर 20 नहीं हो सकती थी। तो यहीं पे, और अगर आप ध्यान से देखें, मैं ए बी और सी को स्ट्रेट लाइन में बनाऊं तो ए बी 9 है, बी सी 11 है और ए सी 20 है, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस पे तीनों सर्कल कभी बन ही नहीं सकता जो तीनों पॉइंट्स पे बन जाए। बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन का है, हाइट एंड डिस्टेंस का। एक लाइट हाउस है, ये जो ब्राउन पट्टी बनी है इसे मान लेते हैं लाइट हाउस है, इस तरीके से खड़ा है और इसके दोनों तरफ शिप है, यहाँ पे भी शिप है, यहाँ शिप है, क्योंकि लिखा है अपोजिट साइड, एक इस तरफ है शिप, एक इस तरफ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि बहुत बच्चों को डाउट होता है इसमें कैसे बनेगा, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोग किसे मानते हैं? मैं दो ऑप्शन देता हूं, इस वाले को एंगल ऑफ डिप्रेशन मानेंगे या इस वाले को एंगल ऑफ डिप्रेशन मानेंगे। अब यहां पे मैं बोल सकता हूँ दावे से एटलीस्ट 20% बच्चे हैं जो एग्जाम में जल्दबाजी में इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मान के क्वेश्चन खराब कर देंगे, पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ नहीं है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये मान लीजिए। यानी कि ये अगर 30 डिग्री दिया है, इसका देखिए अपोजिट एंड इक्वल एंगल क्या होगा, ये वाला हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो। ऐसे ही ये 60 हो जाएगा तो ये भी 60 हो जाएगा। यहां से दूरी मान लेते हैं लाइट हाउस की ए, यहां से बी, हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी की वैल्यू दी है 230√3। और दूसरी चीज मैं बोल सकता हूँ टैन को यूज करके, अगर मैं इस हाइट को एच मान लूँ लाइट हाउस की, तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट फिगर से एच इज इक्वल टू ए बाई रूट थ्री, और सेकेंड फिगर से मैं बोल सकता हूँ एच इज इक्वल टू बी रूट थ्री।
ये समझ गया मैंने कैसे यूज किया, टेन थर्टी को यूज किया जो कि होता है 1/√3, और टेन सिक्सटी को यूज किया जो कि होता है √3। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से देखिए, ए बाई रूट थ्री इज इक्वल टू बी रूट थ्री हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू 3b हो जाएगा। अब क्वेश्चन इजी हो गया, 4b इज इक्वल टू 230√3। यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 115/2 × √3, और हमें हाइट जाननी थी जो कि थे √3, यानी कि 115 × 3/2, 345/2 यानी कि 172.5। ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मगर बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। एक चीज आपको पता होनी चाहिए थी बस, साइन 90 - a इज इक्वल टू कॉस ए होता है, और कॉस 90 - a इज इक्वल टू साइन होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्यों बन गया, क्योंकि कुछ बच्चों ने यहाँ पे सोचा कि ये तो आइडेंटिटी लग रही है कॉस ए माइनस बी की। कैसे लग रही है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, और ये दिखने में भी वैसा लग रहा है क्वेश्चन, बट यहां से हम कहीं आगे निकल के जा नहीं पाएंगे, कहीं भी आगे निकल के यहां से जा नहीं पाएंगे। हमें ये यूज करके यहाँ पे क्या करना था, इसे भी कॉस में चेंज कर लेते हैं, कॉस 65 कॉस 25 माइनस कॉस 25 कॉस 65, और ये वैल्यू हमारी आ जाती। क्वेश्चन 24 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, √360 डिग्री होता है, 1/√3 30 डिग्री होता है, ए प्लस बी की वैल्यू 60 है, ए माइनस बी की वैल्यू 30 है। सिंपल यहां से निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू 90/2 45 और बी की वैल्यू 30/2 15। अब आ जाते हैं जो बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है, मीन मोड मीडियन स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। इसके दो क्वेश्चन बस पूछे गए थे, और दोनों क्वेश्चन इतने ज्यादा सिंपल हैं, आपको फॉर्मूले पता होने थे बस, और आपने दो दो चार चार घंटों की क्लास लगा दी उसके चक्कर में। मुश्किल से 10 मिनट आप एनसीईआरटी भी पढ़ के चले जाते हैं ना, एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते तो आराम से आपका क्वेश्चन हो जाना था। कहने का मतलब ये है कि इतना परेशान नहीं होना चाहिए कोई भी नई चीज के लिए, क्योंकि वो सबके लिए नहीं होगी। अगर कुछ हार्ड आ जाता तो वो सबके लिए हार्ड होता, और इजी तो सबके लिए इजी है। एक तरीके से आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। देखिए मोड का मतलब क्या होता है, वो चीज जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी कि मैं बोलूँ यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 2, 5, 10, 2, 15, 10, 9, 10, तो इस सीरीज का मोड क्या होगा, तो मोड होगा 10, क्योंकि 10 3 बार अकर कर रहा है, सबसे ज्यादा बार जो नंबर अकर करता है उसे हम कहते हैं मोड। ठीक है, ये केवल एक स्टैटिस्टिक्स या रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है मोड, कहीं कहीं हमारे रिप्रेजेंटेशन में ये काम आता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम लोग को एक ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी दिया हो और उसका मोड निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, जो कि मैं आराम से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि मॉडल क्लास कौन सा है। मॉडल क्लास वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है इस मॉडल क्लास की है। ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। कितनी बात समझ में आई, मॉडल क्लास की जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे 25 से 30 की क्लास है, लोअर लिमिट यहाँ पे ये हो जाएगी 25, जो कि ये फॉर्मूले के स्टार्ट ही एल से हो रहा है, ये एल है। फिर यहाँ पे एफ एम लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, एफ एम है मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये 11 हो गई। एफ वन हो जाएगा इससे पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि 9 हो गई। एफ टू हो जाएगा इससे अगली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि 10 हो जाएगी। ठीक है, सारी चीज आ गई। और हाइट एच क्या हो जाएगी, जो एक क्लास यहाँ पे दी हुई है उनमें गैप कितना है, सब में 5-5 का डिफरेंस है। सारी वैल्यूज आ गई, फॉर्मूला लगा दो आप, 25 + FM - F1 2, 2 + 11 - 10 1 × height 5, 25 + 2/3 × 5 यानी कि 10/3 यानी कि 3.33, और आंसर आ जाएगा 28.3। बात समझ में आई, इतना सा था, और ये मोड का सबसे अच्छा क्वेश्चन है मैं मानूंगा, तो भी इतना सिंपल है, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए था। प्रोबेबिलिटी का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी होती क्या है ये चीज बता कीजिए। प्रोबेबिलिटी वो होती है जो आपको आउटकम चाहिए वो ऊपर आ जाए, और टोटल आउटकम जो हो सकते हैं वो नीचे आ जाए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इतनी बॉल्स हैं, एक बॉल उठाता है बंदा
यानी कि जो मार्बल है, कौन कितने मार्बल है टोटल, 14 4 18 3 21, तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं 21। और हमसे बोल क्या रहा है कि ये बताइए कि ब्लैक या ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो या तो ब्लैक आ जाए या तो ब्लू आ जाए, यानी कि 8 + 3 11, 11 ऐसे मार्बल्स हैं जो हमारे फेवरेबल हैं आउटकम, जो हमें चाहिए, और 21 टोटल मार्बल्स है। यही हमारा आंसर हो गया। इससे इजी क्वेश्चन बताइए कुछ हो सकता है प्रोबेबिलिटी में? पता नहीं, एक आध बच्चों ने तो मुझसे पूछा, वो इस लेवल के क्वेश्चन पे चले गए कि मुझे भी लगने लगा यार पता नहीं इस बार क्या पूछेंगे ऐसा, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि बैंकिंग की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, जो बैंकिंग का पैटर्न है थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ 5% जरूर बढ़े होंगे, बट SSC की अपनी एक अलग है थीम एग्जाम की, जो कि अब आने वाले 2 से 3 सालों में थोड़ी सी क्लियर होगी, क्योंकि अभी अभी पैटर्न बदला है। ठीक है, बहुत सालों से सेम पैटर्न चला आ रहा था, आई थिंक मोर देन 20 ईयर से, तो वो पैटर्न चेंज होने के बाद अभी इस तरीके का पैटर्न आया है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तब तक हमें हर तरीके से डिफिकल्ट इजी पेपर हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अब देखिए, एक स्फेयर को हमें कार्व आउट करना है इस तरीके से, एक क्यूब से, इसकी साइड 21 है। आपको पता होना चाहिए जब स्फेयर इस तरीके से कार्व आउट करेंगे तो इसका रेडियस हाफ ऑफ क्यूब की साइड हो जाएगा, यानी कि 21/2, और इसी की वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है 4/3 πr³। निकाल लेंगे 4/3 × 22/7, 221/2 × 21/2, 221/2। ग्यारह इंटू 441, यानी कि 4410 + 441, करीब इतनी वैल्यू आ जाएगी। यह अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई 120 है और चौड़ाई 104 है, और हमें ये बोल रहा है कि इस पार्क के अंदर एक सफेद पट्टी इस तरीके से, मैंने इसको नीली कर दी है, पर आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से 1 मीटर की दूरी पे आउटर बाउंड्री से, 1 मीटर की दूरी पे आउटर बाउंड्री से ये वाइट पट्टी बनाई गई है, जिसकी कॉस्ट है 2.5 रुपये पर मीटर। ठीक है, तो अगर मैं अंदर वाले रेक्टेंगल की बाउंड्री देखूं तो दो दो कम होगा लेंथ में से 118, और दो दो कम होगा इधर से, तो ये 102 हो जाएगा। इसी का पेरीमीटर हमें चाहिए कॉस्ट के लिए। ये सफेद पट्टी ऐसे 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 बनाई होगी किसी पेंटर ने आके, इसका पेरीमीटर हमें चाहिए और उससे कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 118 + 102 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 इंटू कॉस्ट, वैल्यू कितनी होगी 220 + 2 440। इसको 10/4 लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा 1100। लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। क्वेश्चन मैंने कोशिश की कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको नए भी पता चले हों, अगर आप आगे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बिना पढ़े अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा डिटेल में मैंने, इजी क्वेश्चंस हैं तो मुझे लगा, वैसे तो वीडियो बहुत छोटी भी बन सकती थी, फटाफट करा देता। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखिए 3 तरीके के हो जाते हैं। सिंगल सॉल्यूशन हो सकते हैं 2 इक्वेशन के, इनफाइनाइट हो सकते हैं और 0 हो सकते हैं। अभी मैं केवल इनफाइनाइट डिस्कस करूंगा। जो इसके कोफिशियंट्स हैं इसे हम इस फॉर्म में कंसिडर करते हैं, a1x + b y + c = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, यहां पे ये 2 इक्वेशन है, सब चीज हम कर सकते हैं। इनफाइनाइट का केस क्या होता है? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और यहां पे m हमारा b1 में है, तो मैं डायरेक्टली ये करूंगा 17/23 = m/299, तो ये जाएगा 13 × 230 + 69, 13 × 11 यानी कि 191 221, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो c1/c2 का रेशियो भी आप देख सकते हैं, 102/138, इसे 6 से डिवाइड करेंगे, ऊपर 17 आया नीचे 23 आया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे इजी क्वेश्चन आई डोंट थिंक आ सकता है, क्योंकि प्रिपरेशन मैंने इस तरीके से करा दी, x^5 + 1/x^5, x^7 + 1/x^7, जहाँ पे कोफिशियंट्स आ जाते हैं इस तरीके से बीच में। इस लेवल की मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ और आ रहा है क्वेश्चन इतना बेसिक कि मुझे कुछ शर्म आ रही थी कि मैंने क्यों एलजेब्रा के ऊपर वो टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो बनाई। पर आई होप आपको चीज़ें
उसके थ्रू यहाँ पे भी कुछ टाइम आपका बचा हो, जो भी बच्चों ने गिनती चुनी बच्चों ने देखा हो, तो ये आंसर कैसे आएगा, के स्क्वायर माइनस टू, सिंपल सा आंसर है। मन में भी बच्चा कैलकुलेट कर सकता था, इतना इजी क्वेश्चन था। आई थिंक एवरेज टाइम इस पेपर को करने के लिए हार्डली 20 मिनट्स, या बहुत अगर आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग आप करते हैं रिविजन वगैरह, तो 25 मिनट्स में मैथ्स का पेपर हो जाना चाहिए था, और बाकी 35 मिनट्स में आपको रीजनिंग करना चाहिए था। अभी नेक्स्ट टाइम क्या पेपर आता है, और आगे की मैं 3 शिफ्ट्स के भी सॉल्यूशंस डालूंगा, तो मैं देखता हूँ हो सकता हो कुछ शिफ्ट में इस तरीके के पैटर्न में कुछ बदलाव हो। बट जितना सुनने में आया था कि सारे पेपर्स बड़े इजी थे मैथ्स के, सबको दिक्कत कहाँ आई, इंग्लिश भी सबको इजी लग रहा था, बट इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हुई इस बार बच्चों की, तो उसी से मुझे लग रहा है थोड़ा कट ऑफ भी गिरेगा। आई होप आप सबको, जिन्होंने मेहनत ज़्यादा की हो उनको जल्दी जॉब मिले, जो थोड़ी बाद में मेहनत शुरू करेंगे उनको भी मिल जाए, पर डिजायर टाइम पे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट।